दिसंबर यानी कल से हमारे आर्थिक मामलों से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। आपकी जेब से जुड़े इन मामलों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जानिए क्या है नए बदलाव। कोविड के नई गाइडलाइंस, इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रोकथाम के कदमों, SOPs और COVID-19 उपयुक्त बर्ताव, सावधानी और भीड़ को काबू में रखने को सख्त तौर पर लागू करने को कहा है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को ध्यान से निर्धारित करना सुनिश्चित करना होगा। इन कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य कामों की इजाजत होगी। इसके साथ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान और सेवाओं के अलावा इन जोन के अंदर और बाहर लोगों को आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। फेस मास्क के पहनने की जरूरत को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं, जिनमें सार्वजनिक और काम की जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाना शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अक्टूबर क्रेडिट पॉलिसी में RTGS को 24 घंटे शुरू करने का ऐलान किया है। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक RTGS सर्विस सुबह 8 बजे से शाम 7:55 तक ही मिलती है। LPG गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख को अपडेट होती है। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 दिसंबर को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अब 5 साल के बाद बीमा धारक प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकता है, यानी यह आधी किस्त के साथ भी पॉलिसी जारी रख पाएगा। कोरोना काल के बाद रेलवे अपनी सेवाओं को सामान्य करने में जुटा है। स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। रीवा स्पेशल और सिंगरौली स्पेशल ट्रेन का संचालन भी 1 दिसंबर से किया जाएगा। इसके अलावा झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल भी अपनी पटरी पर उतरने वाली है। 1 दिसंबर से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच PNB ATM से एक बार में 10,000 रूपए से ज्यादा की कैश निकासी अब OTP बेस्ड होगी। यानी इन नाइट आवर्स में 10,000 रूपए से ज्यादा का अमाउंट निकालने के लिए PNB ग्राहकों को OTP की जरूरत होगी, इसलिए ग्राहक अपना मोबाइल साथ लेकर जाएं।